Hello students, today now I am explaining you in maths logical reasoning. In this reasoning we have to use logic or sense and required to solve the questions. So we can start now. Our very first chapter is pattern. Here are three types of pattern. You see the first type, how to find the missing term or next term in number or letter or figure series to continue the given series. यहाँ missing term को find कर सकते हैं numbers में, letters में और figures में. Identify the descending or ascending order of series. Descending or ascending order की series को भी हम identify कर सकते हैं. Observe the pattern using operations addition, subtraction, multiplication, division, skip counting and reverse counting. So ये जितनी भी सारी term आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक में, इन सारी लॉजिक्स को हमें पैटर्न में यूज़ करना है. आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आइदर फ्रॉम ए टू जेड और जेड टू ए. अब नेक्स्ट टर्म में हमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी हो सकती है, उसको या तो हम ए टू जेड के फॉर्म में यूज़ करेंगे या हम जेड टू ए के फॉर्म में यूज़ करेंगे. नंबरिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स आइदर स्टार्ट्स फ्रॉम ए और स्टार्ट्स फ्रॉम जेड. अब हम उस अल्फ़ाबेट्स को ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं और जेड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. स्किप स्किपिंग लेटर, किसी लेटर्स को स्किप करना मतलब उसे छोड़ना. नाउ टाइप टू, हाउ टू फाइंड द मिसिंग टर्म इन द पैटर्न. सबसे पहले हमें देखना है कि मिसिंग टर्म कैसे पैटर्न में फाइंड करना है. टू फाइंड द मिसिंग टर्म इन अ पैटर्न आइडेंटिफाई द रूल फॉलोड इन रेस्ट ऑफ द गिवन टर्म इन पैटर्न using mathematical operations like plus, minus, multiply, skip counting and reverse counting. अब जो logic हमें use करना है वो mathematics के किसी भी form में हो सकते हैं, वो या तो plus हो सकता है, minus हो सकता है या फिर multiply भी हो सकता है, skip counting हो सकती है या फिर reverse counting भी हो सकती है. Now type 3, how to find the missing part in the figure pattern. अब कंप्लीट द फिगर पैटर्न बाय ड्राइंग इट्स कंप्लीट पार्ट इन द पैटर्न. अब किसी लॉजिक किसी पैटर्न में हम ये भी फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि हमें डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग्स के थ्रू दिया होता है कि वन ड्राइंग इज़ अनदर, अनदर ड्राइंग इज़ डिफरेंट. सो एग्जांपल, फर्स्ट फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न बिलो. सो स्टूडेंट्स, हियर यू हैव टू सी फाइव नंबर्स अप एंड डाउन, left and right. You see the left side, you have to write written 11 number, and opposite you have to write 5 number. In up side you have to see the 7 number, and down side you see 8 number. In middle you have to see 7 number. अब आपको ये बताना है कि इसमें इस लॉजिक कैसे लॉजिक यूज़ हुआ है. तो इसके लिए हम करेंगे, सबसे पहले हम क्या मेथड करेंगे, सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे. फर्स्ट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 8 माइनस 7, so answer is 1. And when we subtract 11 minus 5, answer is 6. So you see the example, according to that solution 6 plus 1 is equal to 7. तो बीच में हमारा आंसर क्या आया, 7 आया. ठीक है, नाउ यू सी द थर्ड टर्म, थर्ड पैटर्न 9, 8, 7 and 9. सिमिलरली यू कैन डू 9 माइनस 7, आंसर इज 2 एंड 9 माइनस 8, आंसर इज 1. सो 2 plus 1, answer is 3. So, which option is right? 3. 3 option is right. Next, find the missing number in the series below. Here are different missing numbers. You see, 3, 6, 11, 18, 27, question mark, again 51. क्वेश्चन मार्क. सो स्टूडेंट्स, आपको जो क्वेश्चन मार्क में मिसिंग नंबर है वो आपको फाइंड करना है. अब आप जो देख रहे हैं सीरीज में, यू सी दिस ऑल आर द कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, मीन्स 3, 6, 11, 18, 27 and 51 आर द ऑड नंबर्स. अब हम कैसे फाइंड करेंगे इसका ब्लैंक. अब आप देखो 3 और 6 में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 6, 3 नंबर का डिफरेंस है. ओके, 6 टू 11 में 5 नंबर का डिफरेंस है, 11 और 18 के बीच 7 नंबर का डिफरेंस है, 18 और 27 के बीच 9 नंबर का डिफरेंस है. अब हमें कैसे पता चलेगा नेक्स्ट डिफरेंस, यू सी द डाउन साइड, देर आर ऑल आर ऑड नंबर्स, 3, 5,
7, 9. So next odd number is 11. So when we add 27 plus 11, we get the answer 38. Again, अब हमें फिर find करना है 51 कैसे आया. तो हम 38 में 13 को plus करेंगे तो answer हमारा आएगा 51. फिर next term हमारी आएगी 15 odd numbers में. Again we have to add 51 plus 15. So answer is 66. So which option is right? C option is right. 38 and 66. Now example 3. Which of the following options will complete the figure X? अब आपको right side में X figure दिख रहा है, वहाँ question mark है, वो आपको figure complete करना है. तो आप कैसे find करेंगे? You see, first you start with the two lines, two curve lines. Okay, so then one dot. Then two lines, half circle, again cross, then two line circles, then one line. So which option is right? B option is right option. Exercise. First, how many smiling faces will be there in pattern 5? Here are given 3 patterns. So we have to find the pattern 5. In first pattern, students, you have to see how many smiley faces? 5. In second pattern, how many smiley faces? 10. In pattern 3, how many smiley faces? 17. So, students, how to find fifth pattern? So, see the downside. There are solution. In first pattern, 5 plus in second pattern, 10 plus in third pattern, 17. Okay. In तीनों pattern को हमने लिखा. अब हमें देखना है इन तीनों पैटर्न का डिफरेंस कितना है. सो फर्स्ट 5 प्लस 10 में कितना डिफरेंस आएगा? 5 का डिफरेंस. 10 टू 17 में 7 का डिफरेंस आएगा. ओके, इन दोनों में तो 5 और 7 का मींस ऑड नंबर का डिफरेंस है. सो 5 एंड 7 आर द ऑड नंबर. सो विच वन इज़ द नेक्स्ट ऑड नंबर? 5, 7, 9. ओके, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 9. सो वी हैव टू ऐड 17 प्लस 9, आंसर इज 26. मींस 4 पैटर्न में कितने स्माइली फेसेस आएंगे? 26. देन नेक्स्ट ऑड नंबर इज 11. सो अगेन वी हैव टू ऐड 26 प्लस 11, 37. सो फिफ्थ पैटर्न में हाउ मेनी स्माइली फेसेस? 37. सो विच ऑप्शन इज राइट? 37 इज द राइट ऑप्शन. सेकेंड, वॉट इज़ द नंबर ऑन टेडी बियर 11? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बियर 1 से लेके बियर 8 तक के टेडी बियर दिख रहे हैं. इन दिस बियर यू हैव टू सी द नंबर्स. फर्स्ट बियर 2, सेकेंड बियर 3, थर्ड बियर 4, फोर्थ बियर 1, फिफ्थ बियर 2, सिक्स बियर 7, सेवन्थ बियर 4, एट बियर 1. सो स्टूडेंट्स, हियर यू सी द term, different terms. In first beer you see the lines 2, 3 and 4. Again 4 beer se start hota hai. 1, 2, 3, 4. Again we have to start with the 8 beer, same pattern. 1, 2, 3, 4. So 11 wale beer pe kaun sa number aega? 4 number. Okay, so which option is right? C option is right. Question 3, what is the missing number? So students, you see the right side picture. In this picture, we have to go the clockwise. First, you see the middle number, center number is 7. Okay, 7 number ke upar likha hai 2. When we multiply by 7, multiply by 2, answer is 14. Aapko dikh raha hai picture mein? 7, 2 is 14. Then again, see the next term. 7 multiplied by 5 means 7 5 is 35. Now right side again third term. 7 multiplied by 9. So 7 9 is 63. Now fourth term. 7 multiplied by 3. 7 3 is 21. Now next term. 7 multiplied by 8. So question mark is given here. So what is the right answer? You know, 7 8 is 56. So students, which option is right? C option is right. Question 4, find the missing number. So students, you see the right side, three terms are given. First is 135,
second 360 and third is 93. So when we multiply 27 multiply by 5, we get the answer 135. In second term, 36 multiply by 10, we get the answer 360. अब हमें फाइंड करना है कि 93 आंसर आने के लिए हम 3 में कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो सिंपली वी हैव टू डिवाइड 93 डिवाइडेड बाय 3. 93 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हम आंसर पाएंगे 31. सो ए ऑप्शन इज राइट आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, then blank. So, what is the 18th number in the series? अब आपको ये बताना है कि इस सीरीज में 18 नंबर का कौन सा ऑप्शन आएगा या कौन सा नंबर आएगा. ओके, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू काउंट, मेरे साथ आपको काउंट करना है. स्टार्ट विद द 1, 2, 3, 4, 5, 6. यू पुट द कॉमा. अगेन स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगेन यू पुट द कॉमा. अगेन स्टार्ट विद द 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, सो 18th नंबर इज द 6. सो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. सो स्टूडेंट यू सी द राइट साइड, देर आर टू फ्लावर्स आर गिवन. आपको यहाँ दो फूल दिख रहे हैं, उनमें आपको अलग अलग लीव्स दिख रही है. ओके, लीव्स में आपको एक नंबर्स दिख रहे हैं. यू सी द फर्स्ट फ्लावर. अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट फ्लावर की जो लीव्स है इसमें जो भी नंबर्स है उसको हम ऐड करेंगे. सो स्टार्ट 7 + 1 + 9 + 2 + 4 + 12 + 6 + 8. When we add this all number, we get the answer 49. So you see the first solution 49. In sari leaves ka total kitna hua? 49. When we multiply with the 2, because 2 flowers are given. Okay, yahan 2 phool diye hain. To hum kis se 49 ko multiply karenge? 2 se. So we get the answer 98. Same thing, same logic we will apply for the next diagram. अगेन सारी लीव्स के आपको काउंटिंग्स को ऐड करना है. सो स्टार्ट 7 + 1 + 5 + 4 + 3 + 10 + 2 and + 8. इन सारी लीव्स के जब हम टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40. अगेन वी मल्टीप्लाई द 2 बिकॉज 2 फ्लावर्स. सो 42 = 80. सो विच वन इज़ द राइट ऑप्शन? बी ऑप्शन. मीन्स क्वेश्चन मार्क में कौन सा ऑप्शन राइट आएगा? 80 इज़ द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन 7, फाइंड द मिसिंग नंबर. यू सी द राइट साइड, सर्कल इज गिवन. सर्कल्स में आपको अलग अलग नंबर्स दिए हैं. अब इस सर्कल्स के जो नंबर्स है, यू सी द 3, 9, 27, 81 ? 729. ओके, सो अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन मार्क में कौन सा आंसर आएगा? सो यू सी द हिंट. फर्स्ट हिंट में आपको दिया है 3 का स्क्वायर, मीन्स 3 × 3 = 9. देन 9 × 3 = 27. देन 27 × 3 = 81. देन 81 × 3 = 243. ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आएगा 81 × 3 = 243 इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8, By which number can you replace the question mark in the pattern? So student, you see the third picture, वहाँ आपको question mark दिया है. ओके, वहाँ आपको find करना है कि क्या answer आएगा. So सबसे पहले हम देखेंगे first figure को. Here are four numbers are given, 21, 6, 7 and 8. ओके, अब हम इसका solution देखते हैं. You see the downside, when we add 6 + 7 + 8, we get the 21. ओके, जब हम इस 3-digit नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21. सिमिलरली यू कैन वी डू द नेक्स्ट टर्म 7 + 4 + 8. जब हम इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1919. ओके, अब हम थर्ड डायग्राम में भी यही करेंगे. स्टार्ट विद द 4 + 6
plus 7. So we get the answer 17. In question mark, in place of a question mark, we have to write the 17 option, means A option is right. Question number 9. Find the missing number X and Y respectively. So in this figure you see there are two term x and y. यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है. In the numerator you see the different numbers 144, 121, 100 and 81. In denominator you see the 15, 14, 13 and 12. Okay, so according to this picture हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है. अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिनोमिनेटर से. आपको देखना है डिनोमिनेटर में हमारा जो सर्कल्स बने हैं उसमें ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर जा रहा है 15, देन 14, देन 13, 12 एंड 11. मींस y की वैल्यू क्या आ गई 11. अब हमें न्यूमरेटर में देखना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. यू सी द 81. अब हमें पता होगा कि 81 किसका स्क्वायर है, मतलब 81 किस टेबल में आता है. सो यू नो 9 9s are 81, मीन 9s का स्क्वायर मतलब 81 होगा. अब आपको पता है 100 किस टेबल में आता है, सो 10 का स्क्वायर मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 100. देन 121 किस टेबल में आता है, 11 मल्टी व्हेन वी मल्टीप्लाई बाई 11 का स्क्वायर मतलब 11 मल्टीप्लाई बाई 11 वी गेट द आंसर 121. नाउ 144, तो 144 12 का स्क्वायर होता है, मतलब व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 12 वी गेट द 144 आंसर. सो अब हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. यू सी द डिसेंडिंग ऑर्डर 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर. सो 9 के बाद अब हमारा आएगा x की वैल्यू में 8 का स्क्वायर, मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 8 वी गेट द आंसर 64. ओके, सो x और y की वैल्यू हमें क्या फाइंड की 64 एंड 11, means C option is right. Question number 10. What number should replace the question mark? अब आपको यहाँ पिक्चर दिख रहा है, यहाँ मैंने नंबर्स डाल रखे हैं 1, 2, 3 and 4. सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर की. इन फर्स्ट नंबर यू सी थ्री नंबर्स 6, 5 and 7. जब हम इन तीनों नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 18. सेकेंड फिगर, सेकेंड पिक्चर आप देखो, उसमें तीन नंबर्स दिए हैं 9, 6 and 3. जब हम तीनों नंबर को ऐड करेंगे और प्लस करेंगे तो हमारा आंसर भी आता है 18. थर्ड पिक्चर, थर्ड में दिया है 1, 16 and 1. जब अगेन हम इन तीनों डिजिट्स को हम जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 18. नाउ फोर्थ पिक्चर, 3 plus 15 इज आंसर इज 18. अब हमारा लास्ट नंबर बाकी है 11 एंड क्वेश्चन मार्क. अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा. तो आप कैसे फाइंड करेंगे, अब 11 नंबर में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि हमारा आंसर 18 आए. सो वी हैव टू ऐड 7 नंबर, मींस 11 प्लस 7 इज 18. सो विच ऑप्शन इज राइट स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. सो अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशंस, दिस हिंट्स यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक.